हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानेर। दोस्तों, आज हम जानेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ये वीडियो खासकर नर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आम आदमी है वो भी देख सकता है, उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा, बट मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत आसान भाषा में आपको ये बताने की कि भाई मेडिकल का जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या होता है कि जब भी मरीज वो डॉक्टर के पास जाता है किसी भी स्थिति में, तो डॉक्टर उसको कैसे चेक करता है, कैसे चेक करता है, ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसी को हम समझेंगे, सो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि भाई कुछ सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा, उनको कलेक्ट करना कि भाई पेशेंट गया डॉक्टर के पास, बैठ गया, लेट गया, तो उसको देख के हमको कुछ डेटा कलेक्ट करना है, मतलब डॉक्टर को कलेक्ट करना है, तभी तो वो उसका आगे का प्रोसीजर कर पाएगा ना। सब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है कि भाई पेशेंट खुद ही बता देता है कि भाई मुझे खांसी हो रही है, मुझे कपकपी हो रही है, मुझे सिर दुख रहा है या मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये सब्जेक्टिव डेटा होते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है कि अपन को देख के पता चलता है कि भाई उसको सूजन है तो वो दिख जाएगी, उसके हड्डी टूटी है तो वो दिख जाएगी, उसके पेट में बहुत कुछ गड़बड़ी हो रही है, गठान है, कोई ट्यूमर है तो वो दिखेगा, मतलब ये देख के पता चलता है। तो इन सभी को कलेक्ट करना होता है क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, उसका कभी पेट पकड़ लेता है, कभी हाथ पकड़ लेता है, या उसको मतलब नर्सेस कैसे कैसे चेक करते हैं, तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है, उसी को आज हम समझेंगे कि भाई ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि भाई मरीज बैठा है, खड़ा है, लेटा है, जो भी है, उसको देख के क्या पता चल रहा है, देख के इन द सेंस कि भाई उसका कुछ कलर हो सकता है, कुछ अंग का कलर हो सकता है, भाई सूजन आ गई, रेडनेस आ गई, येलोनेस है, कई बार अंग नीले हो जाते हैं, तो कलर का पता चलता है, शेप का पता चलता है कि भाई किस टाइप का हो गया है, साइज का पता चलता है कि कितना बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि वो मरीज जो है कैसे कप वाइब्रेशन वगैरह कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट उसकी क्या है, मतलब कि मरीज हिल रहा है, कप रहा है, या उसको लड़खड़ा के चल रहा है, तो ये सब का डेटा कलेक्ट करने का मतलब होता है इंस्पेक्शन कर लिया डॉक्टर ने, वो कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाता है। दूसरा यहाँ पे आता है दोस्तों पालपेशन। पालपेशन मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को पालपेट करके देखना, पालपेट की भाई उंगली से या हथेली से, उंगली से या हथेली से पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर हिस्से को दबा के देखना या उंगली से देखना। आपने देखा होगा कि मरीज को लिटा के ऐसे हाथ से दबाता पेट डॉक्टर, उसे बोलते हैं क्या, पालपेशन। ये क्यों किया जाता है, अंदरूनी अंगों की एबनॉर्मलिटीज़ को पता करने के लिए। एबनॉर्मलिटीज़ कैसी हो सकती है, जो आपको नहीं दिखती है, डॉक्टर समझ जाता है कि भाई छू के, महसूस करके, इस तरह से प्रेस कर करके पेट को, छाती को, किसी भी जगह पे, गर्दन पे, जहाँ पे कोई ट्यूमर हो सकता है, गठान हो सकती है, तो उस चीज़ को अंदर जो एबनॉर्मलिटी है उसको चेक करने के लिए पालपेट किया जाता है। ये उंगली से भी कर सकता है या हथेली से कर सकता है। तो इसका भी क्या होता है कि भाई माइल्ड होती है, और फिर मॉडरेट होता है, और फिर जो है डीप होता है। तो भाई अगर सपोज ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, इसको हम दबाएंगे तो डॉक्टर कोशिश करता है पहले माइल्ड करने की, एक इंच तक, एक सेंटीमीटर तक दबाता है, एक सेंटीमीटर दबाएगा तो उसको थोड़ा महसूस होगा, अगर तब भी नहीं हो रहा तो फिर दो सेंटीमीटर दबाने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं मॉडरेट पालपेशन। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे डीप, दो सेंटीमीटर से ज़्यादा दबाता है, कई बार बहुत तेज दबा दबा के देखता है डॉक्टर, इसलिए देखता। तो ये होता है दोस्तों पालपेशन, जिसमें क्या होता है डॉक्टर को अंदरूनी अंगों की पोजिशन पता चल जाती है, उसको महसूस हो जाता है, अगर पेशेंट को थोड़ी बहुत कपकपी हो रही होती, जो शो नहीं हो रही होती कपकपी, अंदर से ही होती वाइब्रेशन टाइप का, हल्का हल्का कपकपाहट, वो भी डॉक्टर को समझ में आ जाती है किससे, पालपेशन से। तो पहला हो गया क्या, इंस्पेक्शन, दूसरा हो गया पालपेशन, तीसरा भी होता है दोस्तों यहाँ पे परक्यूशन। तो परक्यूशन जो है पालपेशन जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है कि फिजिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है हमारी बॉडी के ऊपर। जब भी आप जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पहले इंस्पेक्शन कर लेगा, पालपेशन कर लेगा, फिर क्या करेगा कि जिस ऑर्गन में आपको तकलीफ है, इस तरह से लेगा, ये उंगली देखिए आप, इस तरह से तीन उंगली लेगा, वो यहाँ रख के ऐसे मारेगा, देखो आपको आवाज़ भी आएगी। जिस ऑर्गन पे मारते हैं उसमें अलग अलग साउंड आता है, इस तरह से इस उंगली पे ऐसे से मारता है तो एक साउंड उत्पन्न होता है, इसे बोलते हैं परक्यूशन। तो इसमें क्या है, बाहर से हम फोर्स डाल रहे हैं कि सपोज ये आवाज़ सुनिएगा आप, शायद आ जाए, इस तरह से मैंने ये चेस्ट पर रखा, ये मार रहा, ये आवाज़ आती है। पेट पे मारोगे तो अलग आवाज़ आएगी, तो इसका कुछ सीक्वेंस है। अगर थाइस पे मारेंगे, अगर थाई में कोई दिक्कत है तो वहाँ पे
फ्लैट टोन सुनाई देगा, फ्लैट टोन बिल्कुल हल्का हल्का सा। साथ ही अगर लीवर पे रख के अगर ऐसे ऐसे करेंगे अपन, ये परक्यूशन कर रहे हैं, तो लीवर और यूरिनरी ब्लैडर्स जो कि थैलियाँ हैं, एक प्रकार से फ्लूट से भरी हुई थैलियाँ हैं, तो इनमें क्या है, डल टोन सुनाई देगी। डल टोन बहुत कम कम आवाज आती है, हल्की हल्की। दूसरा स्टमक, स्टमक क्या है, इसमें खाना भरा हुआ है, स्टमक पे मारेंगे तो ड्रम की तरह आवाज़ आएगी, टिम्पेनिक साउंड आ जाता है एकदम से, ड्रम में ढप ढप बहुत तेज आवाज आती है, स्टमक पे मारेंगे तो बहुत तेज आवाज आती है स्टमक पे इस तरह से। तो ये चेंजेस हो जाती हैं कुछ सिचुएशंस कई बार कि डॉक्टर को पता है ऐसी आवाज़ आना चाहिए, अगर नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ये होता है परक्यूशन। इसमें एक और होती है दोस्तों, लंग साउंड भी होता है लेकिन वो रेजोनेंस होता है, बहुत गूंजता हुआ आवाज़ आता है उसमें, लंग्स पर अपन रखते हैं जब, तो यहाँ पे ये आवाज़ें होती हैं, इनसे भी डॉक्टर को पता चलता है, परक्यूशन करता है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल होता है दोस्तों यहाँ पे ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन मतलब आला लगाना, स्टेथोस्कोप कान में लगाया और सुनना इधर उधर की आवाज़ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, लंग्स में आ रही है, हार्ट में आ रही है, एब्डोमिनल में क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब आला लगा के उसको पता चलता है, धड़कन, ब्रीथ साउंड्स और एब्डोमिनल बॉबल साउंड्स, ये पता चल जाते हैं। पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन। यहाँ पर दोस्तों एक और होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि मूवमेंट को चेक करना। कई बार ऑर्थोपेडिशन यही तो करते हैं, हमने देखा है पेशेंट को लेटा दिया, उसके हाथ को यूं करते हैं, कभी उंगलियों को मुट्ठी बंद के देखवाते हैं या हाथ पैरों को पूरा हिला हिला के देखते हैं, वो लास्ट होता है, बहुत कम होता है, मतलब वो ऑर्थोपेडिशन ज़्यादा करते हैं, हड्डी के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है या मस्कुलर इंजरी में किया जाता है, देखा जाता है कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, डॉक्टर खुद फोर्स हिला हिला के देखता है अंगों को। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई पहले हो गया इंस्पेक्शन, दूसरा हो गया पाल्पेशन, तीसरा हो गया परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि एब्डोमिनल का जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एब्डोमिनल का जो होता है मतलब पेट का एग्जामिनेशन अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि पहले ऑस्कल्टेशन किया जाता है, फिर जो है अपना इंस्पेक्शन, और फिर होता है पाल्पेशन और फिर परक्यूशन। क्योंकि पाल्पेशन और परक्यूशन में हमने देखा कि उसको दबा रहे हैं और उंगली से दबा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर तक दबा रहे हैं, तो ये पाल्पेशन है। परक्यूशन में क्या, फोर्स अप्लाई करना, तो ये पहले नहीं करना। अगर आपको एग्जामिन करना है एब्डोमिन, आपको एक्यूरेट चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो आप पहले इन चीज़ों को नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब भी दवा दवी करोगे आप पेट वगैरह को मड़ोर मड़ोर करोगे तो होगा क्या, वो बबल साउंड स्टिमुलेट हो जाएंगे। भाई जो नेचुरल घर से बंदा आया उसके पेट में जो आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कि जो ऑस्कल्टेशन में सुनाई देंगी, वो नेचुरल थी, लेकिन अब आप उसको अपने पेट को दबा दिया बहुत पाल्पेशन और परक्यूशन में, तो वो चेंज हो सकती हैं, वो बढ़ सकती हैं, तो आपको एक्यूरेट तो पता चलेगा नहीं। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये थोड़ा प्रोसीजर चेंज हो जाता है। तो पहले हम करेंगे क्या, ऑस्कल्टेशन, भाई नेचुरल साउंड तो सुनना जरूरी है, उसको लगा के पेट में से जो भी बबल साउंड आ रहा है उसको सुन लेंगे, दूसरा देख लेंगे पेट कितना फूल रहा है क्या है, फिर करेंगे पाल्पेशन और फिर दबा के देखता है पेट को, इस तरह से पेट को दबा के देखा जाता है। तो ये होता है दोस्तों पूरा का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।